ये 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमको कह रहा है कि आपके पास जो है ना, आप क्यू को पी से होते हुए एस तक पढ़ाया गया है, फिर आर को क्यू से होते हुए टी तक लेके गए हैं, और वहाँ पे जो आपके पास पी क्यू टी एंगल है वो 110 है, और एस पी आर जो है 135 है। कहता है पी आर क्यू फाइंड करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम चाहें तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये लीनियर पेयर है ना, एक लाइन पे बने हुआ, एक लाइन पे ये वाली लाइन दो एंगल बना रही है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये हमको गिवन है, एस पी आर कितना है हमारे पास, 135। तो ये 135 प्लस आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये प्लस है, फिर इसको मतलब कि क्या होगा, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे 135, तो कितना बचेगा अपने पास, ये आएगा 5 और 3 और नो 4 4। ठीक है, 45 डिग्रीज आ गया हमारे पास, 45 डिग्रीज आर पी क्यू आया है। तो हमको क्या निकालना है, वैसे हमको निकालना है पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये 45 डिग्रीज है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम लगा सकते हैं। जैसे इन दोनों एंगलों का सम जो होगा बाहर के एंगल के बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंदर के दो एंगल का सम बाहर के एंगल के सम के बराबर है। ये एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम होता है, या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है, जो भी आप कहते हो। फिर ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम, एक्सटीरियर एंगल एक्सियोम। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्यू पी आर, ये क्यू पी आर है, क्यू पी है, पी 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 क्यू पी आर अभी मैंने कितना निकाला, 45। ठीक है, और पी आर क्यू हमें मालूम नहीं है, तो पी आर क्यू की जगह पे पी आर क्यू लिख दो, इज इक्वल टू 110। उसके बाद क्या आएगी, पी आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 110 माइनस 45, और ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ पे से 6, तो 65 डिग्रीज इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर।